हाय, यहाँ पे हम समझते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर। देखो, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमने जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क बना रखे हैं, जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स बना रखे हैं जो हमें एक्सेप्ट करने हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। इसी तरीके से हमने ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के अंदर जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके लिए भी हमने GRI बनाया है, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क बनाया। उन्हीं को हम GRI बोल देते हैं, जो कि हर एक लेवल पे सब उसको एक्सेप्ट करे कंट्री में, ताकि एक स्टैंडर्डाइज भी आए, सारी कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करें। तो यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्डाइज है हमारी, जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्डाइज किया है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। अब ये जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। आपको तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, एक हमारे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस, ठीक है, सेक्टर सप्लीमेंट और इंडिकेटर्स प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे कि इन तीन चीजों से मिलकर हमारा जो ये होता है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, वो बनता है। अब ये जो गाइडलाइंस है, जो हमने इसके अंदर फर्स्ट चीज देखी, जो गाइडलाइंस देखी हमारे पास जनरेशन 4 की गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड और सॉरी सस्टेनेबल जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर जो गाइडलाइन है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हमारे पास जनरेशन 4 की, जिसके अंदर दो चीजें बोली गई है। पहली चीज बोली गई है हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, और दूसरा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर करना है। अब ये जो रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने हैं, वो दो तरीके से करने हैं, जिसके अंदर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो हमें जो रिपोर्टिंग करनी है उसमें क्या रिपोर्ट करना है, बट मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, वो चीज हमें ध्यान रखनी है, और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अलग अलग हमें ध्यान रखनी है जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एंड देन जो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होता है, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है जनरल स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और एक होता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जनरल के अंदर जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की जो जो नॉर्मल चीजें हैं जो सब बतानी है, वो आप स्टैंडर्ड डिस्क्लोज करोगे। जैसे कि आप स्ट्रेटेजी बता सकते हो, स्ट्रेटेजी जो ऑर्गेनाइजेशन की है, इसके बाद आप क्या बता सकते हो कि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है उसके बारे में बता सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई मटीरियल एस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इस तरीके की चीजें आप बता सकते हो। देन अगर आप स्टैंडर्ड की बात करो, जो हमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर करना है, उसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें आते हैं, एक इंडिकेटर्स आते हैं और दूसरा कि हमें कैसे डिस्क्लोजर करना है, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट अप्रोच का, डिस्क्लोजर और मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये दो पॉइंट्स आपको यहां रखने हैं याद, जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर, और तीन से चार पॉइंट आपको याद रखने हैं जो जनरल स्टैंडर्ड है। एंड देन दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं प्रिंसिपल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स के अंदर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान रखना है। और जो सेकंड पॉइंट आता है, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड में आप इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल देखते हो कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये G4 हमारे क्या है, जनरेशन 4 प्रिंसिपल गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है, ताकि स्टैंडर्डाइज हो पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से हमें नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, या फिर आप कह सकते हो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है। अब इसके फ्रेमवर्क जो इंडिया के अंदर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया क्या है, जिसके अंदर BRR जो है वो इम्पोर्टेंट आता है, बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जो होती है, तो उसके बारे में